friends, subscribe to my channel and click the bell button to never miss the videos from Shubzzz Vlogs. चैनल आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे इट्स सैटरडे, ये वीकेंड आ गया और अभी वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है. कल भी काफ़ी देर तक बारिश, मतलब पूरे दिन ना इसे रिमझिम 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 टाइप बारिश हो ही रही थी और आज भी बारिश हो रही है मस्त. कल था फ्राइडे तो हम लोगों ने एक मूवी देखी एंड वी स्लेप्ट अराउंड मे बी 12 अराउंड 12 वी स्लेप्ट. तो हम लोग जल्दी सो गए थे और अभी भी बज रहा है 8:30 हम लोग ऑलरेडी उठ गए हैं और वेदर बाहर का बहुत ही ऑसम है एंड वी आर हैविंग ग्रीन टी. आज गुरु तो अच्छा मौसम हो रहा है, पकौड़ी खाते हैं. ओके और चाय पीते हैं. ओके पियोगे? मन तो नहीं है. नहीं तो पी लेना जब जाओ. So why did you ask me actually? पूछा ही क्यों तुमने मुझसे, तुम पियो मी? क्या पता हाँ नहीं बोल रही थी मैं. हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है. चाय पीनी है? हाँ तो पीनी है ना, तो चाय पीऊंगी तो वही तो बोल रही हूँ. I'm showing you my excitement for चाय. इधर चिड़िया उड़ रही है. उड़ी चिड़िया हमारे घर में फर्स्ट टाइम बनी है क्योंकि हम दोनों में से कोई टी नहीं पीता है. बट आज नवन का बड़ा अंदर से इच्छा हुई चाय पीने की, तो मेरे पास एक छोटा पैकेट रखा रहता है बिकॉज कोई गेस्ट आता है उनको टी चाहिए होता है, तो उसलिए टी बस रखा रहता है. बट आज हमने मतलब फर्स्ट टाइम है कि चाय प्रॉपर मिल्क वाली चाय मैं ऐसे पी रही हूँ. मैंने आज तक नहीं पी है चाय और हम लोगों ने बनाई भी नहीं है, कभी नहीं बनाई कि हम ऐसे चाय बना के पी रहे हैं. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम विद द टी. अभी मेरा प्रेस करने का टाइम हो गया. बहुत सारे कपड़े अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं. मैंने इस वीक कुछ भी प्रेस वेस नहीं किया था. वन ऑफ यू सजेस्टेड कि प्रेस मतलब वीकडेज में मत करो, इट्स बेटर कि पूरा दिन इतना बिजी जाते हैं उसके बाद प्रेस करना इट बिकम्स हेक्टिक. तो आप बाद में वीकेंड्स पे प्लान करो. एक्चुअली मैं वही सोच रही थी कि इट इज़ अ नाइस आइडिया, आई ट्राई टू प्रैक्टिस दैट, वो ज़्यादा बेटर रहता है. बट अभी एक्चुअली उस समय मेरे पास इतने सारे कपड़े हो गए थे और मुझे करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने अपने स्टैक को थोड़ा कम करने के लिए आई प्रेस दैट टाइम. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन और मैं उस पर ये अडहियर करूँगी. ऑलराइट गाइस, सो मेरा काम हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ और मैंने अपने खूब सारे पिंपल्स भी फोड़ लिए हैं. सो यस, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने कपड़े एक्चुअली प्रेस किए हैं. तो लिटरली बहुत सारे कपड़े थे और लेट मी जस्ट शो यू. सो ये देखिए, ये है सारी बेडशीट्स, इसके अंदर सारे पिलो कवर्स, ये उसके बाद ये एंड देन हमारा लंच भी रेडी है. तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लंच क्या करने जा रहे हैं. ऐसे बनाया कुछ नहीं है, तो बाहर बारिश का मौसम है इसलिए ये सब अंदर. मैंने चिकन बनाया था कल परसों, तो मैं चिकन और मैंने फ्रेश राइस बनाया. नमन का चिकन खाने का मन नहीं था तो नमन इज़ हैविंग मैगी. तो ये ऑलराइट गाइस, सो मैंने अभी चेंज कर लिया है, आई एम ऑल रेडी. वी आर गोइंग आउट, यहाँ पे एक एजुकेशनल फेयर लगा हुआ है, सो वी आर गोइंग देयर. इट इज़ लाइक अ पोस्ट ग्रेड
फेयर तो हम लोग के दिमाग में 50 टाइप के ख्याल आते रहते हैं. तो वी थॉट कि लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं. तो वी आर जस्ट गोइंग देयर और मैं पूरा रेडी हूँ. मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है. हम लोग अभी वहाँ से एजुकेशन फेयर से निकल के आए हैं बिकॉज इट वॉज लाइक टोटली एजुकेशन रिलेटेड. तो मैंने वहाँ की कोई शूटिंग वूटिंग नहीं करी है. आई मीन आई वॉज लाइक थिंकिंग सर्चिंग एंड टॉकिंग टू पीपल. तो इसे कुछ आप लोग को ऐसा मैंने वहाँ दिखाया नहीं बट इट वॉज वेरी नाइस. और वो लोग मतलब जहाँ पे भी मैं कुछ बात बात कर रही थी दे वर प्रोवाइडिंग दीज गुडी बैग्स एंड ऑल. सो बेसिकली मुझे एक दो तीन कोर्सेज के बारे में पूछना था तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली. आई टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज तो मज़ा आया. मतलब समझ में आई चीज़ें बट तो मज़ा आया. फिलहाल हम अभी बाहर आ गए हैं एंड वी डोंट हैव एनी प्लान्स. मतलब इन असेंस हमें पता नहीं है हमें क्या करना है. वी कैन मेक प्लान्स डेफिनेटली. तो येस वी आर थिंकिंग ऑफ दैट. एंड बाय द वे मैं यहाँ पे एक रैफल सिटी रैफल स्पेस एरिया में हूँ. रैफल सिटी मॉल में हूँ. तो आई गेस हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे. लेट्स सी क्या करेंगे. वी डोंट नो. हाँ लेट्स गो. मैं आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं हम. तो हम लोग आ गए हैं घर वापस. रात हो गई है और मैंने बीच में बनाया नहीं. पता है मैं एक मेरे दिमाग से ही तो लिया क्यों वीडियो बना रही थी तो बनाया ही नहीं. और हमने फिलहाल चलो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ खास नहीं किया. आप लोगों ने ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया है. हम लोगों ने बस मैकडी आए वहाँ पे खाया और मॉल में हम गए थे और विंडो शॉपिंग करी. और नमन मेरे पीछे पड़ गया कपड़े लो कपड़े लो कपड़े लो. मुझे लेने ही नहीं थे बट पीछे पड़ गया और फिर गुस्सा भी हो गया बट मैंने लिए नहीं. तो इन शॉर्ट ये हुआ. उसके बाद हमने मैकडी में बर्गर शर्गर खाया और वहीं से ही हमने ये आइसक्रीम ली. बड़ी अच्छी आइसक्रीम थी. तो मस्त बात ये है कि आइसक्रीम लेके हम लोग आ रहे थे बट मेरी आइसक्रीम ख़त्म नहीं हुई. एंड नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन हमारा था और यहाँ पे यू कैन नॉट ईट इन मेट्रोज. तो मतलब मैं आइसक्रीम खा के ऐसे आ नहीं सकती हूँ. तो व्हाट आई डिड वाज मैंने थोड़ा सा खाया बीच में ताकि पिघले तो इसी के अंदर पिघले. और उसको आइसक्रीम को मैंने बैग में डाल दिया. ओपन सा बैग उसमें डाल दिया. उसके बाद मेट्रो स्टेशन पे आ गया क्योंकि नेक्स्ट ही था आए और अभी बाहर निकाल दिया. अब मैं आइसक्रीम खा ली. सी कितनी अक्कल लगाई मैं. तो बस और प्लान अब ये है हम घर आए हैं बट अभी थोड़ी देर में फिर से बाहर निकल देंगे क्योंकि अभी न्यू मूवी आई है हॉरर द नन. कॉन्ज्यूरिंग की प्रीक्वल है शायद वो. क्योंकि मैं गिरूँ ना तो नमन मुझे पकड़ के चल रहा है टॉप. तो मैं गिरी भी तो मेरा टॉप इनके हाथ में आ जाएगा फटके. मैं तो गिरी जाऊँगी. तो मैं आपको बताई थी अभी न्यू मूवी आई है द नन. तो नन मूवी इज़ हॉरर और शायद कॉन्ज्यूरिंग की प्रीक्वल है. उसमें क्योंकि नन दिखाई थी तो उसका कुछ प्रीक्वल है जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है. ज़्यादा आइडिया नहीं है. तो हम सब फ्रेंड्स मिलके वो मूवी देखने जा रहे हैं. सबकी बैंड बजेगी बट ये सभी घर आए और हम लेट नाइट शो देखने जा रहे हैं. तो इट मीन्स लाइक बैंड बज रहा है. वी आर हेयर फॉर द मूवीज़ और हमारे फ्रेंड्स भी यहीं कहीं होंगे आसपास शायद. ये जो पीछे आपने देखा इन लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट वाला मतलब कुछ कुछ बना रखा है. एंड आई गेस वो डॉग है और उसके नीचे उसकी पूप है. गटरी की तरह इट लुक्स लाइक मोमोज ना गाइस. सो मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि बड़ी स्केरी है. यू नो वी हैव कम हेयर टू सी द मूवी नन. और नन अगर आप लोग को पता होगी इट्स अ हॉरर मूवी. और देयर इज अ लेडी आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू. या दिस नॉट द गर्ल कमिंग दिस लेडी. ओह माय गॉड यू नो व्हाट शी हैज़ डन. उन्होंने बहुत डरावनी डॉल्स लेके आई हैं लाइक 2-3 डॉल्स. एंड वो नन के पोस्टर के पास खड़े होके शी वॉज जस्ट लुकिंग एट. और एंड उसके बाद
उनकी पिक्स खींच रही थी तो गाइस मे बी मतलब वो ना ऐसी कुछ नॉर्मली फोटो ले रही है उन्होंने ऐसी ली हो बट द डॉल वाज सो स्कैरी माय गुडनेस बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी उसके बाद वो नन के पोस्टर के साथ उसके फोटो ले रही थी ओ गॉड मैंने कहा यार नमन ये क्या पागल है इट वाज टू स्कैरी सो दिस इज़ द मूवी थिएटर एक्चुअली एंड हमने ऑनलाइन बुकिंग करा दी थी तो ये उसके काउंटर्स हैं ऑनलाइन बुकिंग के बैक होम और भाई मूवी ना मतलब बैंड बज गई मतलब 1.5 घंटे की मूवी थी एंड मैंने ऐसे देखी है ऐसे दोनों हाथ मतलब ऐसे रख के ना ऐसे देखी हो बिटवीन द फिंगर्स ऐसे ऐसे करके ओ माय गॉड स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब भूत मतलब टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ मूवी में मतलब सीधे मूवी स्टार्ट ही विद द भूत एंडेड विद द भूत मतलब पूरी मूवी में भूत था ओ माई गॉड इट इज़ वेरी स्केरी नो डाउट तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ कि बहुत ऐसे स्केरी मोमेंट्स हैं उसमें कि हम दोनों की बैंड बज गई थी मज़ा आ गया मतलब दो पीपल लाइक विद आवर फ्रेंड्स हम लोग थे अच्छा खासा ग्रुप हम लोग 6 जने थे बट स्टिल ओ माई गॉड इट वॉज वेरी स्केरी तो येस दिस इज द अपडेट एनी वेज गाइज तो मैं अभी घर पर वापस आ गई हूँ और हम लोग वी आर हैविंग ग्रीन टी यस और लैपटॉप पे कुछ अच्छा सा फनी सा देखेंगे और उसके बाद वील स्लीप तो यही था आज का दिन मेरा आज का वीकेंड मेरा मैंने ऐसे स्पेंड किया एंड बाय द वे गाइस मैं बता दूँ मैं अपने स्पेक्स कहीं तो भूल के आ गई हूँ और मैं फिर कल लेने जाऊँगी तो हाँ ये भी है एक अपडेट तो यस गाइस तो ये है आज की अपडेट और मैंने आज इन्जॉय किया अच्छा था फनफुल डे था नाइस वीकेंड सो गाइस आई होप यू ऑल्सो हैड अ नाइस वीकेंड नाउ आई एम गोइंग टू रैप अप द व्लॉग सो आई होप यू गाइस इन्जॉय प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शुब्ज़ व्लॉग्स या गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे स्ट्रेस फ्री बाय बाय